संजय सिंह जिनकी गिरफ्तारी हुई कल, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर उन्हें भेज दिया। कल दूसरी रात थी जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय के कस्टडी में काटनी पड़ी। लेकिन मुसीबत के दिन रात अभी खत्म नहीं हुए हैं। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया, यानी 10 अक्टूबर तक संजय सिंह ईडी की हिरासत में रहेंगे। शराब घोटाले को लेकर ईडी गवाहों के साथ संजय सिंह का सामना करवाएंगे, मतलब संजय सिंह की मुश्किल बढ़ गई है। ईडी का कहना है कि उन्हें बहुत सारी चीजों की तस्दीक करानी है, बहुत सारे गवाहों से, इस मामले के बहुत सारे लोगों से उनका कन्फ्रंटेशन यानी आमना सामना कराना है। जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं उनकी तस्दीक इनसे करवानी है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगली पेशी पर जब ईडी ये बताएगी कि आगे उन्हें कस्टडी चाहिए या नहीं, तो उस पर कुछ चीजों का खुलासा लेकर, कुछ चीजों के सबूत लेकर ईडी शायद हाजिर हो। कल संजय सिंह की रिमांड पर बहस जोरदार हुई। कोर्ट में संजय सिंह ने अपने बचाव में कहा कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे और झूठ की कोई इंतहा नहीं। अमित अरोड़ा गिरफ्तार हुआ, मैं इतना अपरिचित कि उसे मेरा नाम याद नहीं आया। अचानक मेरा नाम याद आया। दिनेश अरोड़ा ने कई बार बयान दिया, उसको संजय सिंह का नाम नहीं आया। अचानक उन्होंने क्या किया आप खुद समझ सकते हैं। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर इनके आरोप में सच्चाई है तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दें, लेकिन ऐसी बेबुनियाद इन्वेस्टिगेशन करना, मुझे एक बार भी बुलाया नहीं गया, मेरे लिए अलग कानून सर। राहुल सिंह का संजय सिंह कर दिया इन्होंने। आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। अजय सिंह विजय सिंह का संजय हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो सकता है? इसके साथ ही संजय सिंह वो किंगपिन है जिनसे सीधे ये सारी पार्टियां जो इसमें शराब बनाने वाली कंपनियों के नुमाइंदे थे, कई मालिक और डायरेक्टर थे, वो सारे लोग संजय सिंह से सीधे संपर्क में थे और संजय सिंह के जरिए वो रुपयों का लेन देन किया जा रहा था। इसी बात की तस्दीक संजय सिंह के स्टाफ विक्रम मिश्रा ने भी की है, जिसमें जिसको ईडी ने सूचना मिलने पर उठाया और उनसे बातचीत की और उन्होंने बहुत सारे मामलों की तस्दीक की है। इसके अलावा जब ये छापेमारी की गई संजय सिंह के घर पे, तो उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले हैं जिसपे कि उन्हें और तस्दीक करनी है, क्योंकि उसमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगाने के साथ ही कई लोगों के साथ संजय सिंह का कन्फ्रंटेशन कराना है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में लंबी चिरह चली। कोर्ट ने पूछा, जब संजय सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत थे फिर गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लगाया? आप पैसों के जिस लेन देन की बात कर रहे हैं वो तो काफी पुराना है, फिर गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों, अभी अरेस्ट क्यों किया? ईडी ने जवाब देते हुए कहा, इस मामले में बयान अभी दर्ज हुए हैं। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने बताया कि उसने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर दिया, इसके अलावा 1 करोड़ इंडो स्प्रिट के ऑफिस से लेकर भी संजय सिंह के घर दिया। कल जो सर्च हुई, डिजिटल एविडेंस मिला, उसको लेकर कॉन्फ्रंट करना है। संजय सिंह का फोन हमने जब्त कर लिया है, कॉन्टैक्ट नंबर मिला है, हमें कुछ कॉन्फ्रंट करना है। जज ने पूछा, फोन तो आपने ले ही लिया है, सीडीआर निकाल ही लेंगे तो उसमें कॉन्फ्रंट करेंगे? ईडी ने जवाब दिया, 3 लोगों को बुलाया है पूछताछ के लिए, हमें 10 दिन की कस्टडी चाहिए। ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ मौजूद साक्ष्य की बात कही, लेकिन संजय सिंह के वकील की तरफ से मामले को फर्जी बताया गया। संजय सिंह की तरफ से ये कहा गया कि ये फिलहाल ये सारी चीजें बिल्कुल नाटक हैं, ये जांच के नाम पर चीजें समय खराब किया जा रहा है, क्योंकि अगर दिनेश अरोड़ा तो इनके पास 1 साल करीब से है, तो अचानक क्या हुआ कि दिनेश अरोड़ा की याददाश्त एकदम से अचानक जगी? 8 महीने वो बिल्कुल खामोश रहा और इधर उधर की बातें बताता रहा, लेकिन जब बात आई तो उन्होंने अभी ही क्यों दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह का नाम लिया है। दिनेश अरोड़ा की तरफ से कहा गया कि वो नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि पहले वो संजय सिंह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, लिहाजा उनसे डर की वजह से नाम नहीं लिए गए, क्योंकि जब चीजें और सारी चीजें पुख्ता हो जाएंगी तब संजय सिंह के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि सबूत उनके पास पहले से संजय सिंह के प्रति थे। तमाम पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।